गया के जिला परिषद प्रांगण में शत्रुघ्न शरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद के प्रथम अध्यक्ष एवं अजन्म विधायक सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार के 37वें पुण्यतिथि के अवसर पर इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाया गया। यह कार्यक्रम शत्रुघ्न शरण सिंह विचार मंच के सहयोजक आर्य अचिंत के द्वारा किया गया तथा संचालन राष्ट्रीय ब्रह्मद सेवा अभियान के सचिव महेश शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, शत्रुघ्न शरण सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी काला पानी के सजा काटने वाले वीर योद्धा वे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व मध्य एवं दक्षिण बिहार में किए थे। शत्रुघ्न शरण सिंह जिला परिषद के प्रथम अध्यक्ष विधायक मंत्री पद को सुशोभित करते हुए राज्य एवं समाज के लिए अतुलनीय कार्य किया। वक्ताओं ने शत्रुघ्न बाबू को पद्म विभूषण से सम्मानित से करने की मांग सरकार से की। सेनानी थे और पूरे मगध प्रमंडल नहीं बिहार में ही काला पानी की सजा भुगतने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनको चक्की से पीसा गया, काफी प्रताड़ित किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश की आजादी में अपने सर्वस्व तन मन धन तीनों ने छावर कर दिया। और जिस जिला परिषद इनका प्रांगण लगा में मूर्ति लगा हुआ है, यह उपेक्षित है। राज्य सरकार के द्वारा भी मामूली एक छोटी मूर्ति प्राइवेट के द्वारा लगाया गया है, राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं, जबकि इस जिला परिषद के 15 साल लगातार चेयरमैन रहे और अजन्मा विधायक, जब तक जिंदा रहे तब तक विधायक रहे, इनकी पत्नी राजकुमारी देवी विधायक रही, लेकिन सरकार भूमिहार होने के कारण इनको उपेक्षित करती है और जनप्रतिनिधि भी उनको उपेक्षित करती है। जबकि ये बिहार सरकार में मंत्री रहे, इन्होंने अपने हाथों से कोई जाति विशेष नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने का और रोजगार देने का अवसर और कम से कम 10 से 15 हज़ार अपने कलम से नौकरी देने का काम किया, लेकिन फिर भी उपेक्षित है। हम मांग करते हैं कि स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए और बिहार सरकार घोषणा करे कि इनको राजकीय सम्मान के साथ इनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाई जाएगी। महेश शर्मा, प्रदेश का समिति दस भाजपा सह सचिव राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि से अमर रहे।